students, today we will do the social studies chapter number 8, the book task question answers. We have already read this chapter. I have explained it to you very clearly. You have asked me all the confusions. Now we will do, we have also done the meanings. Now we will do the question answers. The first question is, name the modern countries that come under Gupta rule. Yani ke Gupta rule ke jo us waqt ke jo jagah thi jo Gupta ne apne under li thi jo jisne invade ki thi. आजकल के वो कौन से कंट्रीज बनते हैं? आंसर है इसका पाकिस्तान, यानी कि हमारा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार. ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो हैं, ये अब आज के सारे कंट्रीज हैं, ये चंद्र गुप्ता के रूल में सारे उसके अंडर थे. जब ये कंट्रीज बने नहीं थे उस टाइम की बात है ये. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु फाउंड द गुप्ता रूल इन द सब कॉन्टिनेंट. यानी कि गुप्ता रूल का फाउंडर कौन था सब कॉन्टिनेंट में. हमने पहले पढ़ा हुआ है कि चंद्रगुप्ता ने गुप्ता रूल जो है वो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट किया था. उसके बाद उसका बेटा था समुद्रगुप्ता और उसके बाद उसका बेटा था चंद्रगुप्ता टू. यानी उसने अपने बेटे का नाम अपने फादर के नाम रखा था. नाउ अब हु फाउंड द गुप्ता रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, किसने किया था? तो ऑब्वियसली जो पहले आया था जो कि था चंद्रगुप्ता वन. चंद्रगुप्ता ने जो है सब कॉन्टिनेंट में अपना गुप्ता रूल जो है वो कायम किया था और उसने बहुत सारी जंगें लड़ी थी जिसमें वो अपनी इस एरिया को बढ़ा रहा था. तो चंद्रगुप्ता फाउंडेड द गुप्ता रूल इन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, ओके. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 3 इज, हु वाज फाहेन, हाउ मेनी इयर्स डिड ही स्पेंड इन द सब कॉन्टिनेंट. फाहेन कौन था और उसने कितने साल जो है वो गरीब जमीन में गुजारे थे. आपको पता है हमने पढ़ा था आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर 8 में कि फाहेन जो था एक चाइनीज ट्रैवलर था. ठीक है, वो जब वो चाइना से आया था काम करने के लिए यहाँ पे आके उसने देखा, उसने वो उसने ऑब्जर्व किया डिफरेंट किस्म की चीजें और वो 10 साल यहाँ पे रहा था. तो इसका आंसर भी यही होगा, ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर हु स्पेंट 10 years इन द सब कॉन्टिनेंट. वो एक चाइनीज चीनी जो है वो सफर करने वाला इंसान था और उसके बाद उसने 10 साल जो है वो बड़े से दीप में गुजारे थे. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द लेटर गुप्ता रूल. यानी कि समुद्र गुप्ता के बाद जो उसका बेटा था कुमारा गुप्ता, उसको क्या मसाइल फेस हुए थे कि उसकी जो रूल था उसका रूल था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया था. हमने इसके बारे में पढ़ा है कि उनको मालवा और हंस ने अटैक करना शुरू कर दिया था, उनके दुश्मन बने हुए. इसका आंसर भी कुछ ऐसे ही होगा, दे वर अटैक्ड बाय टू मेजर एनिमीज, दो बड़े दुश्मन. कौन कौन से? द मालवास एंड द हंस. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. लर्न दिस वर्क एट होम एंड स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.